आप देख रहे हैं डीडीआई न्यूज, योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें, और इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, मथुरा के वृंदावन से है, और वृंदावन के उस निर्माणाधीन मंदिर परिसर से है जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रोदय मंदिर की। निर्माणाधीन चंद्रोदय मंदिर परिसर में बीती रात बदमाशों ने कहर बरपाया। करीब 20 की संख्या में आए बदमाशों ने रात्रि लगभग 2 बजे विश्व के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन चंद्रोदय मंदिर की साइट पर धावा बोलते हुए गार्डों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने गार्डों को बंधक बनाने के बाद उनसे मारपीट करते हुए एक गार्ड की एक नाली बंदूक भी लूट ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य सामान भी लूट लिया। बेखौफ बदमाश निर्माणाधीन चंद्रोदय मंदिर के अंदर जंगल के रास्ते से घुसे। दीवार फांद कर अंदर घुसे बदमाशों का सामना गार्ड लालजी यादव पुत्र रामजस यादव निवासी बिहार और गीतो उर्फ गीतम पुत्र नवल सिंह से हुआ, जहां गीतम पर एक नाली बंदूक थी। गीतम ने जब बंदूक चलानी चाही तो बदमाशों ने गीतम के सर पर लोहे की सरिया से वार कर उसकी बंदूक लूट ली। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल गार्ड गीतम ने बताया कि रात में करीब 20 से 25 बदमाश आए थे और उनके साथ मारपीट कर बंदूक के अलावा बिजली की वायरिंग आदि सामान लूट कर ले गए। गीतम ने बताया कि वो माट स्थित अक्षय पात्र ब्रांच पर तैनात था। शनिवार रात एक गार्ड की छुट्टी होने पर उसे ड्यूटी पर चंद्रोदय मंदिर परिसर बुलाया गया था। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटना के शीघ्र खुलासे का भरोसा दिलाया है। देखिए, ये विगत रात्रि में इंफिनिटी जो बिल्डर्स हैं उनका एक कृष्ण भूमि नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर रात में अर्ली मॉर्निंग एक सूचना आई थी कि कुछ लोग वहाँ पर घुसे हैं और वहाँ पे गनमैन और उनके साथ जो गार्ड हैं उनके साथ मारपीट की है और जो गनमैन है उनकी राइफल लूट कर ले गए हैं। बाद में चेक करने पर पता चला कि उसी बिल्डिंग में जो बिल्डर का जो स्टोर है उसमें से कुछ पैकेट इलेक्ट्रिकल वायर के जो भी उनके द्वारा गिनती की जा रही है वो भी उनके द्वारा वहाँ से लूटे गए। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो गार्ड है जिनको चोट लगी है उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनसे भी काफ़ी अहम जानकारियाँ ली हैं। जो कंपनी के ऑफिशल्स हैं उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। घटनास्थल से निरीक्षण से अभी तक तहरीर इनके द्वारा दी जाएगी, उसके आधार पर मामला पंजीकृत किया जाएगा और आसपास के एरिया को निकाला जा रहा है एविडेंसेस के आधार पर जल्द से जल्द घटना का। सर, ये परमिशन जो बढ़ता सबसे हाईएस्ट मंदिर बढ़ता है वहीं है। देखिए, ये जो बिल्डिंग जहाँ से घटना हुई है वो इन्फिनिटी बिल्डर्स का जो कृष्ण भूमि जो प्रोजेक्ट है वहाँ से हुई है, बाकी उसके आसपास अन्य जो चीज़ें बन रही हैं उनसे इसका से इसमें यहाँ पर एक गनमैन थे और एक गार्ड थे और जो गनमैन है उनको चोट आई है और जो गार्ड है उनको सर बताया गया कि बंदूक लूट ली गई है। हाँ, इनके पास जो गनमैन की जो राइफल थी वो भी बदमाशों की संख्या कुछ बताई जा रही है कितनी अभी इनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसी में बाकी डिटेल्स आएंगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।